अंकल बालवीर जी की वजह से मैं पूरी रात गार्डन में गुजारनी पड़ी। हाँ यार, गार्डन में छुपे छुपे सारे मच्छरों ने हमारा कीमा ही बना दिया। पर तो भी सोच, हम बच गए, वरना मोंटू बॉस को क्या हाल हुआ होगा? वो तो पूरी रात मुर्गे बन के खड़े होंगे। हाँ यार, मैंने सुबह तो कुकड़कूक की आवाज में सुनी थी। अरे तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तो जरूर मोंटू बॉस ही होंगे और हमें ढूंढ रहे होंगे। अरे मेहर, मानो कहाँ है? मानो उसकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है, तो वो दवा लेके सो गया है। मेहर तो सही चला मुझे, इसका मतलब मोंटू बॉस 100% मुर्गा बन गए होंगे। मोंटू बॉस, चल चल चल, जल्दी चल तू। अब क्या शर्मिंदा होके नीचे देख रहे हो? पहले ही बोला था आपको कि मतलब पंगा बालवीर से। अब जादुई छड़ी भी गई और अब आपको जिंदगी भर के लिए मुर्गा बनकर रहना पड़ेगा। पर आप घबराओ मत बस, आपके खिलाए हुए हर पिज्जा और बर्गर का कर्ज चुकाएंगे हम। वैसे भी किसी के उपकार रखने की आदत नहीं है हमें। हाँ, इसलिए हम रोज आपको पिज्जा और बर्गर ये फ्लेवर वाले दाने भी खिलाएंगे। पर आपको रखे कहाँ बॉस? आपके घर में या हमारे घर में मुमकिन ही नहीं है। और आपके वीडियो गेम, जब वो हमने ले, वो क्या है ना, आप मुर्गा बन गए हो तो खेल नहीं पाओगे। और आपके खेलने के लिए हम रोज आपको गार्डन लेके जाएंगे ना। हाँ, आप गार्डन में शांति से बैठ के कुकड़कूक करना और हम आप पर हंसेंगे। सॉरी, हम अकेले आप पर नहीं हंसेंगे, सब बच्चे मिलकर हंसेंगे। रोहित के बोल बॉस, अब बोल और सुन नहीं सकते हो? अरे वाह, बोलने वाला मुर्गा। केवल इसे तो हम सर्कस में छोड़ के आते, क्या बोलते हैं? सर्कस में तो मैं तुम्हें भेजूंगा। उतर नीचे मुर्गा। सॉरी बॉस, हमें लगा कि बालवीर जी ने आपको मुर्गा बना दिया होगा। बालवीर ना मेरा कुछ बिगाड़ पाया ना बालवीर मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा। बालवीर मुझे कुछ भी करने से पहले उसके चेहरे के सामने मेहर खड़ी हो जाएगी। बॉस, हम पर भी ऐसा कुछ जादू कर दो ना कि जिसके वजह से कोई हमें मारे तो उल्टा उस पे ही असर हो। हट, पागल दिखता हूँ मैं? अगर तुम दोनों के ऊपर मैं ऐसा कुछ जादू करूंगा ना तो सबसे ज्यादा मार मुझे ही पड़ेगी, क्योंकि मैं ही तुम दोनों को ज्यादा मारता रहता हूँ। वैसे भी तुम दोनों को डरने की कुछ जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। और मैं कुछ खाना मंगाने जा रहा हूँ, खाना होगा ना तो आ जाना, समझे? मैं हूं ना। पर जब जादू मोड़ने की बारी आई तो खुद भी कर लिया और बच गए, लेकिन हमारे बारे में तो सोचा भी नहीं। काश काश हमारे पास भी कोई ऐसी जादुई छड़ी होती। हाँ यार, काश ये जादुई छड़ी दो होती तो एक तू रख लेता और एक मैं रख लेता। नहीं नहीं नहीं, ऐसी एक मशीन होनी चाहिए, इसमें एक जादुई छड़ी डालो उसमें से दो बार है, फिर एक तू रख लेता एक मैं रख लेता और मोंटू बॉस को भी उनकी जादुई छड़ी वापस कर देते। काश ऐसा हो पाता। छोड़ यार, मुझे तो बड़ी भूख लगी है, चल चल जल्दी चल चल। शुक्रिया रोहित केवल, तुमने खुद ही मुझे मोंटू से वो भयंकर परी का डन पाने का रास्ता बता दिया। नटखट परी, डुबा डुबा मोंटू को सबक सिखाने के लिए अपने रूप बदलने पड़ेंगे। वो सब तो ठीक है बालवीर, लेकिन क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि ये सब करके तुम मोंटू से वो दंड हासिल कर लोगे? हाँ नटखट परी,
लेकिन बालवीर छीन सकते हो तुम इसके बिना भी तो मुंटू से जादू दंड अपने जादू से। हाँ 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 डुबा डुबा एक, लेकिन मोंटो ने उसके ऊपर होने वाले हर जादू को मेहर की तरफ मोड़ दिया है, और इसीलिए मैं चाहकर भी मोंटो को कोई सजा नहीं दे सकता। और मेहर क्या, मोंटो ने किसी भी बच्चे के ऊपर जादू मोड़ दिया होता तो मैं उस बच्चे को कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचने देता। इस बार उस मोंटो ने बहुत ही चालाकी से अपने आप को तुमसे बचा लिया है बालवीर। लेकिन बालवीर करो तुम अपना थोड़ा सा शक्ति प्रदर्शन उस मोंटो पे तो शायद अपनी बात बन जाए। नहीं डुबा डुबा एक, मोंटो हमारा कोई खतरनाक दुश्मन नहीं है, वो एक बच्चा है जिसे एक जादुई डंड मिल गया है और वो अपने मजे के लिए उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। हमें मोंटो को सबक सिखाने के लिए और उससे वो जादुई डंड लेने के लिए शक्ति प्रदर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास मोंटो से भयंकर परी का डंड वापस लेने की युक्ति है, और वो है डबलम यंत्र। डबलम यंत्र? डबलम यंत्र? हाँ डबलम यंत्र। वो क्या है? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम अपना रूप बदल लेते हैं। ठीक है बालवीर। जैसे खिलती है धूप बदल जाए हमारे रूप। अब देखना मोंटू, जो जादुई डंड तुम्हारे पास है वो खुद हमारे पास कैसे आएगा। नटखट परी, वो लोग आ गए। अब ठीक है बालवी, मैं बालवी नहीं, आंटी और आप चुई मुई। ओके ओके, चुई मुई चुई मुई। हेलो 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 हेलो, एक ही कर दिया आंटी जी आपने। हेलो, अरे वो नहीं, मेरी मम्मी का कप तोड़ दिया। ये कप तुम्हारी मम्मी का था? मुझे तो लगा ये कप मिट्टी का था। आंटी जी मेरा दिल तोड़ के मजाक करते हो। दिल तोड़ा? अभी तो तुमने कहा कि हमने तुम्हारा कप तोड़ा। मुझे कप चाहिए, कप 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 चाहिए मुझे। लेकिन बेटा तुम्हारे पास बिल्कुल ऐसा ही एक और कप तो है ना, देखो देखो। ये उसके जैसा कहाँ है, ये टूटा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। आंटी जी ये जो टूटा हुआ कप है ना, वो मेरी मम्मी ने मुझे दिया था। उन्होंने कहा था कि जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो दोनों कप में चाय डालकर पीना, ताकि मुझे लगे कि मेरी माँ मेरे साथ चाय पी रही है। ओह हाउ स्वीट हाउ स्वीट। और आपने मेरा कप तोड़ दिया, अब मैं माँ के साथ चाय कैसे पीऊंगा। बेटा तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही एक और कप चाहिए ना। हाँ आंटी जी। ओके, मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही एक और कप दे दूंगी। लेकिन तुम किसी को बताना नहीं कि मैं तुम्हारे लिए ये कप कहाँ से लेकर आई। छोड़ यार, इनको क्या फॉलो कर रहे, चल चल। अरे नहीं यार सुन रहे ना, ये लोग क्या कह रहे, लगता है कुछ गड़बड़ है। अरे यार अगर देख लिया तो? अरे उसे कुछ नहीं देखा, उसकी आंखें छोटी है। कैसे दोगी वो दूसरा कप आंटी जी? बेटा यहाँ से कुछ ही दूर पर हमारे एक साइंटिस्ट है जिन्होंने एक डबलम यंत्र बनाया है। डबलम यंत्र? डबलम यंत्र? डबलम यंत्र, ये यंत्र में कोई भी चीज डालो तो ये यंत्र वो चीज बिल्कुल वैसी ही एक और बना देता है। समझे? नहीं कोई नहीं है।
यानी एक सेट डालो तो दो से हो जाएंगे। हाँ हाँ, एक लड्डू डालो तो दो दो लड्डू हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम तुम्हारा ये कप उस यंत्र में डालेंगे तो ये भी तुम ना हो जाएगा। समझे ना? हाँ। कौन नहीं है, कौन नहीं है? समझ गए आंटी जी, लेकिन मैं कैसे मानूं? क्या सच बोल रहे हो? बेटा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। यहाँ से कुछ ही दूर पर हमारी वो साइंटिस्ट हैं। वो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा ये कप उस यंत्र में डाल के बिल्कुल ऐसा ही एक और कप तुम्हें दे देंगे। सच्ची? सच्ची सच्ची, मुच्ची मुच्ची, चलो। रोहित, अब हमारे पास भी अपनी जादुई छड़ी होगी। हैट्रिक, ये सब कुछ भी बोलते, ऐसा कभी होता है क्या? बेवकूफ बना रहे। अरे ट्राई करने में क्या हर्ज है? देख, अगर उनके पास डबल यंत्र है तो हमारे पास भी जादुई छड़ी आ जाएगी, और उसमें हमारा ही फायदा है ना। हाँ यार। बंटी, तो मेरे पीछे पीछे आ रहे हो या मैं जाऊं? अगर एक का दो का हो सकता है तो मैं जरूर आऊंगा जी। तुम थक गए होगे? पानी पियोगे? आवाज आ रही है पर दिखाई नहीं दे रहे। अरे रेडियो है, बोलना। प्रोफेसर, आप कहाँ हैं? यहाँ यहाँ ऊपर। हाँ? वो है प्रोफेसर। उल्टा लटका हुआ साइंटिस्ट। और प्रोफेसर, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? वो मैं वो लगा रहा था। वो? रोशनी का यंत्र लगा रहा था। रोशनी का यंत्र? पर कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। वो जब रोशनी देता है ना तभी दिखाई देता है। हुर हुर। रोहित केवल का रह गए, हमेशा गायब हो जाते। अब उन्हें आने दो, पनिशमेंट के तौर पे इन्हें ही मैं गायब कर दूंगा। इनका इंतजार करते करते मैं थक गया हूँ। भूख भी बहुत है, एक काम करता हूँ, आराम खुशी मंगा लेता हूँ। ए जादुई छड़ी, मेरे आराम के लिए आ जाए एक बड़ी सी आराम कुर्सी। अरे यार कितनी धूप है। जादुई छड़ी, मेरे सिर पे एक छाता ला दे। अरे ये कैसे छाता ला दिया, गली गई की। इस धूप से बचने के लिए मेरे कुर्सी के पीछे एक बड़ा सा छाता ला दे। हे,
अरे बाबा क्या हुआ मेहर? ये वो देख मोंटू, भूख लग गई है, पेट में चूहे दौड़ रहे। एक काम करता हूँ दादी छड़ी, इस गर्मी में पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक जूस और खाने के लिए हाँ टिप। मानव तू सही देख रहा है। क्या मतलब? हमारे साथ जो भी उल्टा सीधा हो रहा है सब मोंटू की वजह से हो रहा है। हाँ मानव, और ये भी सच है कि बालवीर का जादू मोंटू पे नहीं चल रहा है, और इसलिए बालवीर मोंटू से ये जादुई छड़ी भी नहीं ले पा रहा है। मेहर कह दे कि जूड़ने, मेहर कह दे कि जूड़ने। सॉरी, ये सच है। बड़ी मुश्किल से पेट सही हुआ था, लेकिन ये देखकर तो मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। अब क्या होगा मेहर? मोंटू तो इस जादू की मदद से हमारा स्कूल में रहना मुश्किल कर देगा। मानव तू डर मत, मोंटू के हाथ में ये जादुई छड़ी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। सच्ची? हाँ मानव, ये जादुई छड़ी मोंटू के हाथ से जल्दी छिन जाएगी। मानव इतना भी खुश मत हो। अरे मेहर मैं खुश नहीं हो रहा हूँ, बल्कि तेरे पर हंस रहा हूँ। तू दिन में सपना देखना छोड़ दे। सॉरी, लेकिन मेहर ये छड़ी मोंटू से छीनेगा कौन? हम छीनेंगे। ओके हम? अरे मेहर तू क्या बोल रही है? मेरा पेट फिर से खराब हो रहा है, तू रुक मैं आता हूँ। मानव तू यहीं रुक, ज्यादा नाटक मत कर। हाँ हमें बालवीर के लिए मोंटू से जादू छड़ी छीननी होगी। बालवीर ने हमारी कितनी बार मदद की है, तो इस बार हम उसकी मदद करेंगे। हम छीनेंगे मोंटू से ये जादुई छड़ी। छीनूंगा तो मैं चैन इस मोंटू का, जैसे है छीना इसने मेरा। पड़ेगा ही ये करना मुझे, और है ये अच्छा मौका परी भयंकर का जादुई दंड इस मोंटू से छीनने का।